हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बनाएंगे रियलिस्टिक आई, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी, मैंने आउटलाइंस ड्रॉ की हुई है और सबसे पहले मैं बॉल बनाऊंगा आई की। बॉल के सबसे सेंटर में मैं डार्क करूंगा, पूरा ब्लैकिश होना चाहिए। मैं मेनली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बहुत डार्क रहती है। और बारीक एरिया के लिए परफेक्ट रहती है। और आप प्लीज़ इस प्रोसेस को ही फॉलो करें, ये प्रोसेस मैक्सिमम आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। और ये देखिए, मैंने वाइट जगह पे लाइंस मारी है पर रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि जो हमारी ड्राइंग्स है पूरी रियल लगनी चाहिए। और ये देख सकते हैं, मेरी आई बॉल पूरी तैयार हो चुकी है और मैंने साइड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ मैं, और मेरी पेंसिल भी बहुत चीप रहती है। और ये देखिए, मैंने लेफ्ट पोर्शन मेरा आई का जो कंप्लीट हो चुका है, और जो मेरा राइट पोर्शन है उसको मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट ब्लेंड करूँगा और कॉटन से स्मूथ करूँगा। और इधर मैं वेरी लाइट लाइट शेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि आई की साइड साइड ज़्यादा डार्क एरियाज नहीं रहते हैं। एंड ये देखिए, मैं तो इधर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, और इधर थोड़ा रिफ्लेक्शन के लिए, रियलिस्टिक के लिए मैं इरेजर लगाता हूँ, मतलब इरेज करता हूँ। ये देखिए, हमारी आई तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर से साइड में बैकग्राउंड अभी मैं बनाऊंगा। और एकदम लाइट लाइट मैंने हर जगह कर दी और कॉटन से मैंने ब्लेंड कर दिया। ये देखिए, मैं थोड़ा डार्क करूँगा इधर और मिक्स करूँगा। उसके लिए मैं ब्लेंडर यूज़ करता हूँ जो कि मैंने घर में ही बनाया है। ये देखिए, मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और साइड साइड इरेजर से इरेज कर रहा हूँ। फिर से मैंने रेस किया और ये देख सकते हैं आप, इधर मैंने डार्क फिर से डार्क किया ताकि इरेज करने से जो मिट गया था मेरा, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं फिर से और डार्क कर रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा साइड साइड भी, मैंने इरेजर नहीं लगाया था, ये रिफ्लेक्शन के लिए मैं वाइटनर का भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वाइटनर बहुत ही पतला होता है। और वाइटनर से ये होता है कि जो पूरा वाइट कलर आता है, अगर आप इरेजर से इरेज करेंगे तो बीच बीच में थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर नज़र आएगा, इसलिए मैं वाइटनर इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, अभी मैं आई लेसेस बना रहा हूँ, वो भी मैंने मैकेनिकल पेंसिल से ही बनाई है क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल ने आपको मैंने बताया है पहले कि मैक्सिमम वही यूज़ करता हूँ, तो डार्क भी रहती है। ये देखिए, मैं शेडिंग की इधर, देखिए जो जो मैक्सिमम लेफ्ट साइड का वो है आई लेसेस, ऐसे पूरा लाइट ही था।
और इसे डाउन में भी मैं नॉर्मल पेंसिल से ही करता हूँ। ऐसे में जो शेडिंग पेंसिल रहती है वो भी नॉर्मल रहती है कैमलिन की, चीप ही यूज़ करता हूँ मैं भी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं यूज़ करता हूँ। और ये देखिए अभी नीचे के आई लेसेस बनाएंगे। जैसी ड्राइंग थी मैंने कोशिश की है सेम टू सेम बनाने की, क्योंकि अब एक एक बार तो सेम बनने से रहे। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए मैं इधर रिफ्लेक्शन के लिए वाइटनर यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर में भी मैंने वाइटनर यूज़ किया। ये देखिए अब जो थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया था मेरा, अगर आई लेसेस में जो भी वाइटनर ऊपर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखना कभी नहीं भूलिएगा। ओके बाय।